गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स डिफरेंट पार्ट्स एज माउथ, बकल कैविटी, ईसोफेगस, देन यू नो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। दीज आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड देर आर ग्लैंड्स ऑल्सो, देर आर ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद दिस सिस्टम। फर्स्ट ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड, सेकेंड गैस्ट्रिक ग्लैंड इन अ स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड, देन थर्ड लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर, देन पेनक्रियास, एंड द लास्ट ग्लैंड इंटेस्टाइन। These are the parts of a human digestive system. These are the organs and these are the glands. These glands are associated with the release of enzymes. Enzymes are those chemicals which catalyzes the breakdown of the food molecules. First part in our digestive system is mouth. Mouth is our transverse slit opening guarded by two movable lips. Mouth slit opening, transverse slit. Then next to mouth is the buccal cavity. Buccal cavity, this area. In mouth, this cavity is called as buccal cavity. In buccal cavity, teeth and tongue. There are teeth and tongue in your buccal cavity. First, teeth. Our teeth appears in two sets. In human being, teeth appears in two sets. First set, all you know about milk teeth. तो बेटा जो पहला सेट आता है बच्चे में वो मिल्क टीथ है। मिल्क टीथ कितने होते बेटा? 20 नंबर। एंड देन दीज टीथ गेट रिप्लेस्ड विथ परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ कितने होते बेटा? 32। मिल्क टीथ कब आते? 6 months की एज से लेकर के 2 years तक की एज तक ही आते बेटा, और 6 years की एज के बाद में, 6 से 12 years की एज में परमानेंट टीथ आ जाएंगे। हमारे जो टीथ है बेटा, जैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये टीथ एम्बेडेड रहते हैं नीचे किसमें? बोन्स के अंदर। तो जो पार्ट हमें बाहर दिखता है ये वाला, इट्स कॉल्ड एज क्राउन पार्ट। क्राउन पार्ट, इसके ऊपर जो व्हाइट शाइनिंग सब्सटेंस है दैट इज इनेमल, और इसकी रूट्स नीचे रहती है बेटा, ये इसकी रूट है, और ये मिडल पार्ट को नेक बोलते हैं। तो टूथ हमारा जो एम्बेडेड है बोन्स के अंदर, और अपर पार्ट कौन सा है? इनेमल। इनेमल के नीचे भी पार्ट है, यहां पे मिलता है बेटा डेंटाइन, डेंटाइन पार्ट।
अब इसके बाद है कि जो टीथ है ह्यूमन बींग में, हमारे चार तरह के टीथ है बेटा इन ह्यूमन, देर आर फोर टाइप्स ऑफ द टीथ। कौन कौन से बेटा? पहले हैं इंसीजर्स जो सामने होते हैं, दूसरे हैं बेटा कैनिन्स, थर्ड होंगे बेटा प्रीमोलर्स, और लास्ट होते बेटा मोलर्स। ये पीछे वाले होते हैं। ये कौन से टीथ है बेटा? ये ग्राइंडिंग है, ये ग्राइंडिंग टीथ है। ये बेटा ये कटिंग टीथ है, और ये टीयरिंग। सो देयर आर फोर काइंड्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बीइंग विच आर इंसिसर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। दे आर ग्राइंडर्स, कटिंग टीथ एंड टीयरिंग टीथ। इनर बकल कैविटी, नेक्स्ट ऑर्गन टंग, जीभ जो होती है बेटा टंग, ऐसा स्ट्रक्चर होते हैं। Like this. टंग का कुछ पार्ट जो आपको आगे दिखता है ये वाला, ये मोबाइल है, मतलब हिल सकता है, और जो पार्ट पीछे है ये फिक्स है। ये कहां है? पीछे फेरिंग्स में है बेटा। तो इसके अंदर ऐसे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है, दिस वन, दिस पार्ट, इसमें टॉन्सिल्स होते बेटा। यहां पे टॉन्सिल्स जो हमारे लिए डिफेंस का काम करते हैं, लिम्फोइड टिश्यू होता है बेटा। टंग में अलग अलग सेंटर पे अलग अलग टेस्ट आते हैं, जैसे इस फर्स्ट सेंटर पे दोनों साइड पे बिटर टेस्ट आता है बेटा, यहां सेंटर फॉर बिटर टेस्ट। इसके बाद आगे सेंटर आता है बेटा, दिस इज फॉर सॉल्ट टेस्ट, देन नेक्स्ट इज फॉर सॉल्टी, and here you can see sweet taste is there, sweet taste. Tongue के ऊपर taste के लिए यहां जिससे हमें taste आएगा वो होते हैं बेटा taste buds, taste buds। वही message लेके brain तक जाते हैं, इन्हीं के through message enter करता है, फिर nerves message लेके brain तक जाती है। तो taste buds में टेस्ट बर्ड्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बेटा, यहाँ टेस्ट पोर होता है। तो इसमें जो आपने फूड खाया है प्लस मुंह के अंदर जो सलाइवा है, ये मिक्स होकर के एक सॉल्यूशन बनाता है बेटा। वो सॉल्यूशन इस टेस्ट बर्ड के अंदर मैसेज जनरेट करता है, और वो मैसेज फिर ब्रेन तक जाता है, आपको पता लगता है कि इस तरह का फूड हमने लिया है, उसका ये टेस्ट है। टंग के बाद आगे नेक्स्ट ऑर्गन है हमारे पास बेटा। अच्छा, टंग काम क्या करती है? मिक्सिंग ऑफ द फूड करती है विद द सलाइवा, और उसको स्वेलिंग में हेल्प करती है। टंग उसको पुश करती है फूड को, फिर फूड आगे मूव करता है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है टंग के बाद आगे जो रीजन आता है बेटा, उसको कहते हैं फेरिंग्स। नेक्स्ट रीजन इज फेरिंग्स। फेरिंग्स कौन सा रीजन होगा? फेरिंग्स रीजन जो है वो बकल कैविटी के बाद है बेटा। जैसे ये यहां पे होगी बकल कैविटी, दिस वन, ये आ गया नेजल ट्रैक, यहां से एयर अंदर आती है। तो इस साइड पे जो ये वाली जगह है बेटा, ये दिस इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आगे हमारा ऑर्गन है बेटा, यहां पे एक पाइप है
जो ऐसे नीचे आती है केवल, ये इस ट्यूब को कहते हैं इसोफेगस। नेक्स्ट इज इसोफेगस। इसोफेगस दिस ट्यूब इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। इसका काम क्या होगा बेटा, जो फूड आप यहां से यहां लेके आएंगे आगे स्वेल्विंग के बाद, वो फूड इस ट्यूब के थ्रू स्टमक तक आता है और इस ट्यूब में एक मूवमेंट चलती है बेटा जो इसको नीचे पुश करती है, ऐसे ऐसे ये पुश करते हुए इस फूड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आती है। इस मूवमेंट को जो फूड को पुश करती है डाउनवर्ड्स, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इस फूड को यहां स्टमक तक लेके आएगी। स्टूडेंट्स इसमें यहां पे ये फूड पाइप, अभी मैंने बताया आपको क्या नाम है इसका, इसोफेगस, और यहां पे होती है बेटा विंड पाइप गले में आगे की तरफ। ये विंड पाइप में पहला पार्ट जो है वो होता है बेटा लैरिंग्स। अब जो फूड हमने खाया उसको कहां जाना है, इस इसोफेगस में। एयर को कहां जाना है, इस लैरिंग्स में। तो चांसेस हैं कि फूड पार्टिकल्स यहां की बजाय इसमें आ जाए, किसमें, लैरिंग्स में। इसको रोकने के लिए इस लैरिंग्स के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जब आप फूड को स्वेलो करते हैं निकलते हैं तो उस टाइम ये इस लैरिंग्स यानी इस विंड पाइप को बंद कर देता है। तो उससे कंफर्म है कि फूड कहां जाएगा, इसोफेगस में जाएगा। फूड एंड लिक्विड पार्ट ऑब्वियसली विल मूव टुवर्ड्स इसोफेगस, नॉट इन द विंड पाइप। और अगर इसमें चला जाए तो ये ब्लॉक हो सकती है, इससे बंद हो सकती है ट्यूब। तो इसीलिए इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर जो होता है इसको कहते हैं बेटा एपिग्लॉटिस। टू चेक द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स इन टू विंड पाइप। Now, next to this esophagus, our next part is stomach. Stomach. Stomach region, ये है बेटा, ऐसे। J-shaped widest organ, सबसे छोटा organ। यहां से इसोफेगस जब फूड लेकर आती है, ये पाइप कौन सी है, फूड पाइप इसोफेगस। यहां पे एक स्फिंक्टर होता है बेटा, ये कार्डिक स्फिंक्टर, ये फूड को आने देता है वापिस नहीं जाने देगा। और यहां स्टमक के एंड पे यहां पे भी एक स्फिंक्टर। तो जैसे फूड पार्टिकल्स यहां आएंगे जो आपने फूड खाया, तो इस स्टमक की वॉल में ग्लैंड्स होती हैं यहां पे। इन ग्लैंड्स को कहते हैं बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का सिक्रीशन जो आएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो यहां डालती है स्टमक में, तो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो सिक्रीशन डालती हैं उसको बोलते हैं बेटा गैस्ट्रिक जूस। तो यहां पे लिक्विड आ जाए बेटा, ऐसे जैसे आपका फूड जाएगा यहां पे एक लिक्विड आएगा, एंड दैट लिक्विड इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक जूस। ये लिक्विड है बेटा, जूस का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड। जूस जो हम पीते हैं वो नहीं, वो सेम है, इसका मतलब ये है कि कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड है, दैट्स व्हाई द टर्म जूस हैज बीन यूज्ड। गैस्ट्रिक जूस में एक तो होता है बेटा एचसीएल। एचसीएल हमने पढ़ा क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
और होते बेटा इसमें एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स? यहां पे एक बहुत फेमस एंजाइम है बेटा, उसका नाम है पेप्सिन। अब इस एसिड का क्या काम है? ये एसिड आपके खाने के साथ अगर कोई बैक्टीरिया जर्म्स गए हैं, इट किल्स जर्म्स। सेकेंड, इट सॉफ्टन्स योर फूड, फूड को सॉफ्ट करता है बेटा। और ये पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन जो हमने खाया है उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाता है। डाइजेस्ट प्रोटीन्स, डाइजेस्ट का मतलब प्रोटीन्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। जैसे आपने जो प्रोटीन खाए हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, तो पेप्सिन वो केमिकल है जो इसको ब्रेक डाउन करता है और अल्टीमेटली इसको प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर देता है बेटा अमीनो एसिड में, और ये डाइजेस्ट हो। अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करना प्रोटीन को, ये क्या होगा बेटा? डाइजेशन। दिस इज डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब यही है कि बड़े फूड को, ये देखो ये कॉम्प्लेक्स है, मींस इसके मॉलिक्यूल्स लार्ज हैं, इन मॉलिक्यूल्स को स्मॉल में कन्वर्ट करना है। तो ये अब बेटा किस में कन्वर्ट हो गया? स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। और किसने करवाया? पेप्सिन ने। और पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम। एंजाइम मींस वो केमिकल जो एक रिएक्शन कॉज करता है, बोन्स ब्रेक डाउन करता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल में कन्वर्ट करता है। तो यहां पे स्टमक के अंदर क्या होगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस निकालती है। कितनी देर फूड रहता है? स्टमक के अंदर आपका फूड रहता है बेटा 2 घंटे से 6 घंटे तक, और तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। स्टमक के अंदर बाकी फूड मटेरियल जो है लाइक कार्बोहाइड्रेट फैट्स, उन पे कोई कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन नहीं होती, सिर्फ प्रोटीन्स की होती है, पेप्सिन करता है। नेक्स्ट ऑर्गन इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6 to 7 meter लॉन्ग। इट्स कॉल्ड एज स्मॉल, इट इज सो लॉन्ग 6 to 7 meters, बट इट इज स्टिल कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज ऑफ डायमीटर। इट्स स्मॉल डायमीटर, इसका डायमीटर कम है बेटा, इसलिए इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कहां से शुरू होगी? देखो बेटा ये स्टमक, स्टमक के बाद ये बेटा पेंक्रियास, यहां पे बेटा लीवर, ये गॉल ब्लैडर, ऐसा है। यू सी कि जैसे फूड पास होगा कहां से? स्टमक से यहां आता है। तो अब इसको क्या मिलेगा? देखो बेटा ये लीवर का जूस, लीवर भी एक ग्लैंड है, वो भी एक जूस निकालती है। ये कौन सी ग्लैंड है बेटा? ये पेनक्रियाज है, ये भी अपना सिक्रीशन डालती है। तो यहां पे जब फूड आता है इस जगह पे, तो इस जगह पे क्या रिसीव होगा? यहां पे बाइल जूस, बाइल जूस रिसीव होता है। बाइल जूस किसने रिलीज किया बेटा? लीवर ने। और क्या रिसीव होगा बेटा? पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक जूस किसने निकाला? पेनक्रियाज ने। तो ये दो जूस फूड को रिसीव होते हैं किस जगह पे? स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक के बाद, ये वाला रीजन सारा आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, हमने पहले डायग्राम ड्रॉ किया था। बाइल जूस, बाइल जूस विच इज रिलीज फ्रॉम द लीवर, बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस बेटा, बाइल जूस कोई डाइजेशन नहीं करवाता, बाइल जूस डाइजेशन के लिए फैट्स को तैयार करता है। कैसे? हम इसके लिए एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। फैट्स यानी जो तेल घी हमने खाया है, फूड का जो कंपोनेंट है उसको इमल्सिफाई करवाना। इमल्सिफाई का मतलब बड़ी ड्रॉपलेट को छोटी में कन्वर्ट करना,
फैट्स को वाटर में डिजोल्व करवाना, तो बाई जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स. हाउ? इट कॉजेस इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स. फिर बेटा जो ये जूस है पेनक्रिएटिक जूस, ये कंप्लीट जूस है. पेनक्रिएटिक जूस के पास सारे एंजाइम सेंटर. पेनक्रिएटिक जूस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का भी एंजाइम है. एंजाइम टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जो हमने स्टार्च खाया है उसको डाइजेस्ट करने का एंजाइम भी है इसके पास. इसके पास बेटा फैट्स को डाइजेस्ट करने का एंजाइम भी है. एंजाइम टू डाइजेस्ट फैट्स. थर्ड बेटा इसके पास एंजाइम है, एंजाइम टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स. मतलब आपके फूड के तीनों सेगमेंट्स को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स पेनक्रिएटिक जूस के पास होते हैं. ये कंप्लीट जूस है बेटा. तो ये जो आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं, जो आपने स्टार्च खाए हैं, उसको कन्वर्ट करवा देगा बेटे. ये जितने भी आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करवा देगा. सिंपल फॉर्म जैसे ग्लूकोज में. आपने जो फैट्स खाए हैं उन फैट्स को डाइजेस्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट करवा देंगे बेटा? फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में. मतलब ये डाइजेस्ट हो गया. और प्रोटीन्स डाइजेस्ट होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा? अमीनो एसिड्स में. मैं इनके नाम भी बता रहा हूं आपको. कार्बोहाइड्रेट्स को जो डाइजेस्ट करते हैं उन एंजाइम्स को आप एक नाम कह सकते हो, अमाइलेज. फैट्स को जो डाइजेस्ट करते हैं आप उनके लिए भी कॉमन टर्म यूज कर सकते हो, लाइपेज. प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करते हैं उनके लिए आप टर्म यूज कर सकते हो, प्रोटीएज. ये जो एज वर्ड है बेटा पीछे, इट इंडिकेट्स द नेम ऑफ एंजाइम. मतलब एंजाइम के पीछे हम लोग वर्ड यूज करते हैं एज. सो फूड देखो बेटा, स्टमक में क्या डाइजेस्ट हुआ था? प्रोटीन्स. जैसे ही प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद बाकी फूड आ गया. अब आप कहेंगे प्रोटीन तो यहां डाइजेस्ट हो गया, फिर दोबारा यहां क्यों हुआ? क्योंकि जितना प्रोटीन हमने खाया था वो सारा यहां डाइजेस्ट नहीं हो पाता. प्रोटीन्स की भी टाइप्स होती है. कुछ प्रोटीन्स यहां डाइजेस्ट होते हैं, कुछ यहां होते हैं. तो फूड अलग अलग जगह पे डाइजेशन चलती है बेटा. तो कुछ प्रोटीन यहां डाइजेस्ट हो गए, कुछ यहां हो जाएंगे. तो इस तरह से ये डाइजेशन कंप्लीट होती है बेटा. इसके बाद भी रह जाए तो आगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी हैं, वो फर्दर डाइजेशन करवाती है बेटा. सबसे पहले हमने पढ़ा बेटा इंजेशन. इंजेशन का मतलब फूड बॉडी में कैसे आता है, हमारे कैसे आया था? माउथ से हम फूड बॉडी के अंदर लेके जाते हैं. दूसरा स्टेप अभी हमने पढ़ा डाइजेशन. डाइजेशन का मतलब बेटा बड़े फूड मॉलिक्यूल्स को छोटे फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है. मतलब डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना हो. तो ये हमने देख लिया इंजेशन माउथ से. उसके बाद हमने देखा डाइजेशन. डाइजेशन हमारा अलग अलग जगह पे, जैसे भी अपन पढ़ा स्टमक में क्या हुआ था? प्रोटीन का डाइजेशन. प्रोटीन बड़े मॉलिक्यूल्स को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? छोटे मॉलिक्यूल में, सिंपल में. फिर आगे पढ़ा हमने लीवर का जो जूस आता है, पेनक्रिएटिक जूस आता है. तो ये दो स्टेप हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं. थर्ड स्टेप यू नो एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन ये वो प्रोसेस है बेटा जिसमें डाइजेस्टेड फूड सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर करेगा. अब बेटा आगे एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन मींस डाइजेस्टेड फूड एंटर्स टू आवर सर्कुलेटरी सिस्टम. कैसे बेटा?
जैसे ये स्टमक, ये पेनक्रियास, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें जब फूड यहां पहुंचता है वो डाइजेस्ट हो गए, मतलब वो ऑलरेडी स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। अब इस फूड मॉलिक्यूल को जो यहां है इस जगह पे, इनको एंटर करवाना है कहां? ब्लड में। ब्लड में क्यों? ताकि सेल्स तक पहुंचे। तो फूड, डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन से ब्लड में जो पास होगा दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मींस जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहां एंटर करेगा बेटा? ब्लड के अंदर। इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस यहां चलता है बेटा ज्यादा, इंटेस्टाइन के अंदर। कौन सी इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वो प्रोसेस कैसे चलता है बच्चे? स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई भी सेगमेंट निकाल लें, जैसे ये स्टमक, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा, इसका एक सेगमेंट हम बाहर निकाल, मतलब उसको कट करके देखते हैं। तो इसके अंदर आपको जैसे ये वॉल ये यहां का है, इसमें इस जगह पे देख रहे हैं, जहां मैंने ब्लू कलर से चला है, ये जगह देख रहे हैं। इसमें बेटा ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं यूं दोनों बोल पे, ऐसे बहुत सारे होते हैं बेटा, ऐसे ऐसे। ये कहां है बेटा? ये देखो इस जगह, ये अंदर है इसके। इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं विलाई, और इन विलाई के ऊपर स्मॉल स्ट्रक्चर भी मिलते हैं ऐसे ऐसे, इनको बोलते हैं बेटा माइक्रोविलाई। जो डाइजेस्टेड फूड कौन सा? जो यहां से डाइजेस्ट हुआ या यहां डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्टेड फूड में क्या होता है बेटा? अमीनो एसिड प्रोटीन से आए हैं। उसके बाद बेटा ग्लूकोज कहां से आया? कार्बोहाइड्रेट से आया है। और फैटी एसिड ग्लिसरॉल, ये जो फूड है ये यहां इंटेस्टाइन से यहां पे एंटर करता है बेटा इस जगह पे, देखो ऐसे ऐसे। यहां कौन है? यहां पे इस जगह पे हमारा ब्लड है, लिम्फ है, वो कैरी करता है बेटा। मैं रेड से दिखा रहा हूं आपको, जैसे ये यहां पे कौन है बेटा? ब्लड है। तो जैसे ये फूड पास होगा तो हम कहेंगे कौन सा स्टेप हो गया बेटा? एब्जॉर्प्शन। तो फूड एंटर करने के बाद अब कहां जाएगा? सेल्स के पास, हमारे ऑर्गन्स के पास। और वो फूड आपकी सेल्स को मिलेगा, उससे हमें एनर्जी मिलेगी, ग्रोथ होगी। तो ये प्रोसेस बेटा एब्जॉर्प्शन किसमें हुआ? विलाई में। विलाई से कहां गया ये फूड? कौन सा फूड है ये? डाइजेस्टेड फूड है। और ये किसमें एंटर किया? ब्लड स्ट्रीम में। और ब्लड इसको पूरी बॉडी में स्प्रेड करता है, सेल्स तक लेके जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। एक नेक्स्ट स्टेप है बेटा, जो अपने शुरू में पांच स्टेप में बताया था मैंने आपको, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मींस जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है, फूड एब्जॉर्ब होने के बाद हमने कहां चला जाएगा? ये चला जाएगा ब्लड में। अभी पढ़ा हमने एब्जॉर्प्शन से, इस प्रोसेस का क्या नाम है बेटा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद जब ब्लड में चला गया, ब्लड इसको कहां लेके जाएगा? सेल्स तक, बॉडी के अंदर। फिर वहां इस फूड का क्या करेंगे? इसको हम एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए
यूज करेंगे एंड दिस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन. द एब्जॉर्ब फूड इज यूज फॉर एनर्जी ग्रोथ रिपेयर रिप्रोडक्शन मेंटेनेंस. दिस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन. नाउ द लास्ट स्टेप इजेशन. इजेशन फिफ्थ स्टेप लास्ट स्टेप. इजेशन मीन्स एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. लेट दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन. Large intestine. In large intestine, which is about 1.5 meter long, this large intestine is about 1.5 meter long. जो food digest नहीं हो सकता वो food small intestine से यहां आता है इस जगह. अब ये जो पाउच है जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स, अगर ये इनडाइजेस्टिबल फूड जो हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाया अगर ये इसमें गिरता है बेटा, ये ट्यूब है पाउच है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है बेटा, ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग पाउच है, इसका कोई रोल नहीं है हमारे पास, ये वेस्टिजियल है वेस्ट है. और अगर इसमें आपका फूड गिरता है तो इसमें स्वेलिंग आती है और ये पेन करती है, फिर इसको सर्जरी से बेटा रिमूव करवाते हैं. अच्छा अब ये जो इनडाइजेस्टिबल फूड यहां आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, यहां कोई डाइजेशन नहीं होगा, इससे सिर्फ हम वाटर रीअब्सॉर्ब कर सकते हैं बेटा, यहां पानी हम अपना एब्जॉर्ब कर सकते हैं, प्लस यहां पे कुछ बैक्टीरिया है हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया जो फ्रेंड बैक्टीरिया रहते हैं वो हमारे इस वेस्ट पे डिपेंड होते हैं, इसको खाते हैं, बदले में हमें वो विटामिन देते हैं बेटा, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमने उनको अपने यहां इंटेस्टाइन में जगह दी, बदले में उन्होंने हमें विटामिन दिए, उनको क्या फायदा हुआ, वो इस वेस्ट को खाते हैं यहां सरवाइव करते हैं, वो फ्रेंडली बैक्टीरिया बेटा. ये जो वेस्ट है फिर ये यहां से यहां आएगा, फिर ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं रेक्टम, इस रेक्टम में वो स्टोर हो जाएगा और फिर हम इसको थ्रू एनस बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. दिस इज कॉल्ड एज इजेशन. तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम वॉटर रीअब्सॉर्प्शन का बेटा, और जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है उनका शेल्टर यहां पे मिलते हैं, ये हमें विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं, हम इनको शेल्टर प्लस फूड प्रोवाइड करते हैं. यहां पे जो फूड आएगा उसमें हम डाइजेशन नहीं करवा सकते, यहां पे अपेंडिक्स है, अगर इसमें फूड गया इट विल कॉज पेन, इनटॉलरेबल पेन, बहुत तेज दर्द होता है बेटा, फिर इसको हमें निकलवाना पड़ता है, फिर यहां से बंद. इसको निकलवाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इसका कोई यूज ही नहीं, इट्स वेस्टिजियल. तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? अच्छा, इसकी लेंथ 1.5 मीटर होने के बावजूद वी आर कॉलिंग इट लार्ज. व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स डायमीटर, इसका डायमीटर ज्यादा है. ये नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा यू नो इट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें कैसे फूड डाइजेस्ट होगा, कैसे इंजेस्ट होगा, इसमें भी वही स्टेप्स चलेंगे बेटा जैसे हमारे अंदर चले थे. पहला स्टेप इंजेशन सेम, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ जो हमारे अंदर अभी पढ़ा हमने इजेशन. ऑल दीज स्टेप्स सेम स्टेप्स,
सो फर्स्ट इंजेशन अमीबा दिस टाइप ऑफ यूर व्हेन इट मूव्स लाइक दिस These structures are called as pseudopodia. Pseudopodia. अब कोई फूड इसने इंगल्फ करना हो, जैसे ये फूड है बेटा, ये फूड है, तो ये उसके ऊपर pseudopodia की कवरिंग कर लेगा, लाइक दिस. जैसे ये फूड है, ये इसके ऊपर से ऐसे कवरिंग कर लेगा बेटा. ये फूड वैक्यूल बन जाएगा बेटा इसके अंदर. तो ये कौन सा स्टेप हो गया? फर्स्ट स्टेप इंजेशन. इंजेशन मींस फूड अंदर. सेकंड स्टेप इज डाइजेशन. फिर अमीबा के अंदर ही जो फूड वैक्यूल है ये यहां पे डाइजेशन होगा बेटा इसका. एक ही सेल में, सिंगल सेल में, यहां पे इसका डाइजेशन होगा. फिर इसके जो फूड से डाइजेस्ट होने के बाद जो जो डाइजेस्टिव मटेरियल है, मींस डाइजेस्ट होने के बाद जो मटेरियल है वो इसकी सेल में ऐसे पास हो जाएगा. तो ये कौन सा स्टेप हो गया बेटा? एब्जॉर्प्शन. और जो फूड डाइजेस्ट होके इसने एब्जॉर्ब किया डाइजेस्ट करवाने के बाद, ये वाला फूड जो यहां आया वो इसको एनर्जी के लिए यूज कर लेगा, इससे इसको एनर्जी मिलेगी. और तो ये कौन सा स्टेप हो गया बेटा? एसिमिलेशन. और जो ये इनडाइजेस्टिबल मटेरियल है जिसको ये डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसको ये थ्रो कर दे बेटा इस तरह बाहर, ये बाहर की तरफ थ्रो कर देगा. तो ये कौन सा स्टेप हो गया बेटा? इजेशन. तो इस तरह से अमीबा में भी सेम फाइव स्टेप्स न्यूट्रिशन में रहते हैं. इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. न्यूट्रिशन इन कट च्यूइंग हर्बिवोरस एनिमल्स. दिस एनिमल लाइक काउ, बफेलो, दिस ट्यूबिस, ओइसोफेगस, रूमन, ओमेसम, एबोमेसम, स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम एंड लार्ज इंटेस्टाइन. ये एनिमल्स पहले फूड को क्विकली अपने इस सेगमेंट में लेके आते हैं. यहां पे यहां बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस फूड में जो सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट करते हैं. सेलुलोज डाइजेस्ट करते हैं पार्टली, फिर ये वापस मुंह में आता है. इसको कट बोलते हैं बेटा. ये वापस मुंह में लेके आते हैं, अगेन चीविंग करते हैं, फिर दोबारा लेके आते हैं. उससे सेलुलोज डाइजेशन में हेल्प होती है. मतलब दो बार फूड मुंह में आएगा. पहले मुंह में आया तो सीधा ह्यूमन में आया डायरेक्टली. फिर यहां पे क्या हुआ? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने सेलुलोज को डाइजेस्ट करवाया. फिर ये वापस आया, फिर चीविंग की, अगेन स्वेलो किया, फिर इस फूड को पास करते हैं आगे. तो इस चैम्बर में सिकम, यहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सेलुलोज को फर्दर डाइजेस्ट करवाते हैं और फिर इसको वेस्ट को यहां से एनस के थ्रू बाहर भेजते हैं. तो रुमिनेंट्स जैसे काउस, बफेलो, शिप, जिराफ, इनके अंदर ये प्रोसेस चलता है बेटा. दे आर आल्सो कॉल्ड एज रुमिनेंट्स. दे आर आल्सो कॉल्ड एज रुमिनेंट्स क्योंकि इनमें दो बार वापस फूड मुंह के अंदर आता है. तो कट मींस जो ये पहली बार इंगल्फ किया, स्वेलो किया, यहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने इसको डाइजेशन किया सेलुलोज का और ये वापस मुंह में है. दैट्स व्हाई रुमिनेंट्स, दे आर रुमिनेंट्स बेटा.